हेलो दोस्तों, इस वाला वीडियो में विराट कोहली का पोर्ट्रेट जो पहले ड्राइंग किया था वो कलर करने वाले हैं। कलर करने के लिए जो ड्राइंग का जो डार्क पार्ट है उसको थोड़ा लाइट करना चाहिए ताकि कलर के साथ वो ग्राफाइट का हिस्सा, ग्राफाइट का जो डस्ट होता है वो अगर घोल मिल जाए तो कलर थोड़ा डार्क हो जा सकते हैं। तो इसलिए उसको एक क्ले इरेजर यूज़ करके ड्राइंग का पार्ट थोड़ा लाइट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, क्ले इरेजर यूज़ करने के बाद ड्राइंग थोड़ा लाइट हो गया। तो उसके बाद अभी कलर शुरू करेंगे। तो एक बात बता दूं, अगर किसी भी पोर्ट्रेट पेंटिंग अगर आप लोग वाटर कलर से करें तो उस वाटर कलर बोर्ड को थोड़ा हिला के अगर रखें तो हो सकता है अच्छा पोर्ट्रेट बन सकता है। लेकिन अगर आप लोग वाटर कलर को पेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक बनाए रखना चाहते हैं तो उस पेपर या बोर्ड को फ्लैट करके रखना पड़ेगा, पानी जो आप लोग डाल रहे हैं वो नहीं गिर पड़े। सबसे पहले इस पोर्ट्रेट को, जो पेपर है उस पेपर को थोड़ा मोटा ब्रश से पूरा भिगो लेंगे। पूरा पेपर भीग गया। अब इस ड्राइंग का सबसे जो लाइट वाला पार्ट है उसका जो कलर है वो डालेंगे, और वो है स्किन का जो सबसे लाइट पार्ट है। तो पहले सब जो कलर है उसको पानी से भिगो लेंगे और जो जो कलर इस्तेमाल होगा उसको पहले रेडी कर लेंगे। सबसे पहले स्किन का जो कलर है उसको रेडी करके स्किन में डालने वाला हूँ, और उसके साथ भी एक अच्छा पोर्ट्रेट ड्राइंग करने के जो बेसिक कलर वगैरह है वो सैप ग्रीन या कोबाल्ट ब्लू या क्रिम्सन रेड, ये जो कलर है वो स्किन में बहुत कम मात्रा में रहते हैं। तो अगर इस कलर को हम देखें तो एक पोर्ट्रेट पेंटिंग बहुत अच्छा हो सकता है। तो पहले इस स्किन टोन के साथ वो कलर भी डाल लेंगे। देखो, जैसे कि एक इस कान का जो कलर है वो थोड़ा क्रिम्सन रेड डाल दिया, ताकि स्किन के अंदर जो खून का जो पार्ट है वो थोड़ा दिखे। बियर्ड के ऊपर जो सैप ग्रीन का इफेक्ट डाल दिया ताकि हेयर का जो पार्ट होता है वहाँ थोड़ा ग्रीन कलर आ जाता है। तो वैसे भी बाल के पास भी एक सैप ग्रीन कलर डाल लेंगे। ये बाल का कलर नहीं है, ये स्किन का कलर है। अभी जैसे कि देख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कलर ड्राइंग से बाहर निकल रहा है, तो आप लोग चाहे तो एक सूखा हुआ ब्रश से उस कलर को उठा ले सकते हैं, और वो जो काम है वो पेपर भीगा रहने से ही करना पड़ेगा। सूख जाने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो कलर है बहुत सॉफ्ट कलर है, उसके ऊपर बहुत सारा टोन डालना पड़ेगा एक एक करके। तो जो टोन है वो लाइट से डीप तक जाएगा, तो एक एक करके सब टोन डालेंगे। तो अभी इस पोर्ट्रेट में जो बियर्ड वगैरह है और बाल वगैरह है उसका जो कलर है, उसका जो डार्क कलर है वो अभी मैं डाल सकता था, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम होगा वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि डार्क कलर अगर स्किन टोन से मिल जाए तो स्किन टोन बहुत डार्क हो जाएगा। इसलिए डार्क कलर जो है
वो चाहे ब्लैक ब्लैक हो या ब्राउन साइना हो, वो अभी नहीं डालना चाहिए। स्किन का जो पार्ट सब कुछ है, उसको ड्राइंग हो जाने से पहले, उसका पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, अभी एक एक करके स्किन का जो डार्क पार्ट है वो एक एक करके डालेंगे। तो वैसा नहीं है कि सबसे डार्क पार्ट जो है, एक्सट्रीम डार्क पार्ट है, वो पहले ही डाल देंगे, वो नहीं। एक एक करके जो डार्क डार्क तक हम जाएंगे, ताकि ये पोर्ट्रेट का वॉल्यूम बना रहेगा।
अच्छा सेकेंड लेयर सब कुछ हो चुका है, अभी थर्ड लेयर स्टार्ट करेंगे। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जो थर्ड लेयर या सेकेंड लेयर जो है वो डालने से पहले ब्रश में पानी ज़्यादा रहना पड़ेगा और कलर थोड़ा कम रहना पड़ेगा, ताकि वो जो कलर है वो सॉफ्ट रहे। अगर ब्रश में कलर ज़्यादा होगा और पानी कम होगा तो वो वाटर कलर नहीं बनेगा, वो गोवास या किसी भी टेम्पेरा हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा। तो जब ब्रश में पानी ज़्यादा होगा और कलर कम होगा तब एक एक करके बहुत सारा टोन आप डाल सकते हैं एक पोर्ट्रेट में। तो ऐसे ही थर्ड टोन अभी शुरू करेंगे। एक एक करके सबका सब जगह का जो ड्राइंग है वो ध्यान में रखते हुए ठीक ठीक जगह पर ठीक ठीक कलर डाल के और ठीक ठीक टोन डाल के वो शुरू करेंगे। कुछ कुछ जगह पर थर्ड टोन देना बहुत बाकी है, फिर भी बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैं डाल रहा हूँ ताकि पोर्ट्रेट का जो डायमेंशन है वो थोड़ा अच्छे से दिखे।
ओवरऑल जो पार्ट है पोर्ट्रेट का, ओवरऑल पार्ट में थर्ड टोन डाल चुके हैं। अभी बियर्ड और बाल का जो हिस्सा है उसमें कलर शुरू करेंगे। तो बियर्ड और बाल में ब्लैक कलर है, लेकिन वो ब्लैक कलर में पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि बाल में ब्लैक कलर से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा ब्लू या ब्रेन साइना या किसी भी कलर दिखता है, वो उसमें ब्लैक कलर जो है वो प्रधान नहीं है। तो पहले लाइट कलर जो है वो है ब्रेन साइना, वो पहले डालेंगे, और ब्रेन साइना से टोन निकल के बाल में भी डालेंगे, और उसके बाद एक एक करके डार्क वाला कलर जो है वो डालेंगे उसके बाद। तो इस बियर्ड का जो डार्क पार्ट है, उस डार्क पार्ट का भी लाइट पार्ट पहले हो चुका था, अभी एक्सट्रीम डार्क पार्ट डालेंगे।
अभी थोड़ा थोड़ा पार्ट में, आँखों में या नोस में या कान में फोर्थ टोन डाल रहा हूँ ताकि और भी थोड़ा डायमेंशन दिखे। जितना भी एक पोर्ट्रेट में जितना भी टोन डालना चाहिए, एक पोर्ट्रेट में जितना भी टोन डालेंगे उतना भी वो पोर्ट्रेट डायमेंशन बढ़ेगा। तो इसलिए तीन से ज़्यादा टोन अगर यूज़ करे और उसके बाद भी उसका सॉफ्टनेस अगर बनाए रहे तो एक पोर्ट्रेट बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बन सकता है। जैसे कि बियर्ड में जो पहले ब्रांड साइनर डाल के उसका लाइट पार्ट कर लिया था और उसके बाद डार्क पार्ट डाल के ड्राइंग किया था, वैसे ही बाल में पहले उसका लाइट पार्ट ब्रांड साइनर से थोड़ा सा सैपकिन यूज़ करके एक लाइट पार्ट ड्राइंग कर लेता हूँ, उसके बाद डार्क कलर डाल के उसका डीप पार्ट शुरू करेंगे। अभी बियर्ड में थोड़ा थोड़ा जो डिटेलिंग वगैरह है वो एक्सट्रीम डार्क से मैं कर लूँगा, वैसे ही जो बाल है बाल में भी डार्क कलर डाल के एक्सट्रीम डिटेलिंग वगैरह पार्ट जो है वो कर लूँगा। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट का जो पार्ट है वो मेरा हो चुका है।
अभी मेरे को लगा कि इस पोर्ट्रेट का जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डार्क अगर हो जाए तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, तो इसलिए बैकग्राउंड का जो कलर है वो थोड़ा डार्क और थोड़ा टेक्सचर डाल रहा हूँ। सबसे बात इस पोर्ट्रेट में मेरे को लगा एक और एक टोन, फाइनल टोन अगर डाले तो पोर्ट्रेट और भी डायमेंशन बढ़ेगा, तो इसलिए उसका हेड में और उसका फेस में एक टोन डाल रहा हूँ। तो अभी हो चुका है मेरा पोर्ट्रेट। तो दोस्तों आज का मेरा इस पोर्ट्रेट ड्राइंग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और किसी भी क्वेश्चन वगैरह है तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका जो आप लोगों का जो दोस्त वगैरह है उसके साथ अगर इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करना, ताकि हमको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले।